अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन ने आज स्पष्ट कहा है कि कुछ चिकित्सक दवा कंपनियों संग मिलकर सरकार को हर साल करोड़ों रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं। कुछ चिकित्सकों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा स्टोर आदि को बीच से हटाकर सीधे अपनी जेब भरना शुरू कर दिया है। कमाई होनी चाहिए लेकिन इसकी कोई लिमिट तो हो। दवा कंपनी में चिकित्सकों के बीच इस खेल की सीधी चोट जहां राजस्व के रूप में सरकार पर पड़ रही है, वहीं पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र को भी कड़ा झटका लगा है। और यही कारण है कि नागरिकों को सस्ता व सुलभ दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले गए जन औषधि केंद्र अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। यदि नर्सिंग होम में दवा स्टॉक आने व मरीजों को दिए जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का ऑडिट कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल मेरठ में इन दिनों सपा विधायक अतुल प्रधान व न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के बीच विवाद चल रहा है। होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री घनश्याम मित्तल ने जहां इस विवाद से एसोसिएशन को अलग रखने की बात कही, वहीं आज एसोसिएशन द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई जो इन दिनों विधायक व न्यूट्रिमा हॉस्पिटल विवाद में सुर्खियां बने हुए हैं। महामंत्री घनश्याम मित्तल ने कहा कि दवा विक्रेताओं के लिए डॉक्टर संरक्षक के तौर पर है, उनका सम्मान भी वे करते हैं, लेकिन कुछ चिकित्सकों ने भ्रष्ट आचरण के चलते दवा को अकूत मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया है। एसोसिएशन के संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने इस मौके पर यह कहा। दवा कंपनियों से डॉक्टर, कुछ डॉक्टर, सबको नहीं, हमने डॉक्टरों के बीच में लिखा भी है, कुछ डॉक्टर और काफी बड़ी संख्या में दवा कंपनियों से दवा बनवा के ला रहे हैं और उन दवाओं के ऊपर एक सीमा से अधिक MRP लिखवा रहे हैं। अपने नर्सिंग होम में तो आपको मालूम है, तथ्य है कि हर एक नर्सिंग होम का अपना मेडिकल स्टोर है, हर एक क्लिनिक में करीब करीब ऐसा हो गया है कि डॉक्टर अपना मेडिकल स्टोर लिए बैठा हुआ है। उन मेडिकल स्टोरों पर वो दवा लिखी जाती है और वह दवा बाहर कहीं नहीं मिलती, पूरे हिंदुस्तान में उस पर्टिकुलर नर्सिंग होम या मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं नहीं मिलती। वो दवा लिखते हैं और उस दवा के और खरीद और बिक्री के बीच का इतना ज़्यादा अंतर होता है कि जिसे हम लूट की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो ये जो चल रहा है तो उसमें हमारा एक बड़ा एक विचार सब लोगों का था कि जब जो मुनाफे की खाई है वो 1000% की है तो क्यों ना दवा के दामों को नियंत्रित करके इस MRP को आधा कर दिया जाए, या मैं कहता हूं कि दवाओं की लागत से दुगने से ज़्यादा बेचने पर दवाई पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। यह हमारे व्यापार के खिलाफ, हम अपने व्यापार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर हमें आज पीड़ा होती है क्योंकि हमारा परिवार भी रोगी होकर जब डॉक्टर के पास जाता है तो आपको ताज्जुब होगा, दवाई वाला भी जब जाता है तो उसको दवाई नहीं मिलती, दवा डॉक्टर अपने हिसाब से देता है जो हमारी समझ में नहीं आती। तो मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में प्लेसिवो का व्यापार चल रहा है। प्लेसिवो होता है कि वो चीज़ गोली, वो गोली दवा की वो के नाम पे वो गोली देना जिसका कोई असर नहीं होता। उन प्लेसिवो को दवा के नाम से अगर हम बहुत ज़्यादा मूल्य ले बेच रहे हैं, आप पर्चा देखिए किसी डॉक्टर का, मेरठ में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो एक पर्चे में मात्र 1 या 2 दवा लिख के कहते हैं कि ठीक हो जाओगे, और ऐसे डॉक्टर भी हैं जो 10-10, 12-13 दवा लिखते हैं, उस दवा में 2 तो काम की होती है और बाकी 10 दवा प्लेसिवो समझ लीजिए या वो दवा होती है डॉक्टर बनवाता है और वो एक आय का बहुत बड़ा अवैधानिक साधन बनता चला जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी के लिए प्रशासन से सरकार के पास हम शीघ्र मिलने जा रहे हैं कि दवाई की कीमतों को नियंत्रित कर दीजिए, लागत ले लीजिए, दुगने से ज़्यादा मत बिकने दीजिए। उसमें मैंने विज्ञप्ति में हम लोगों ने दिया भी है कि अगर दुगना कर दिया जाएगा तो रोजगार बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर जो अपना मेडिकल स्टोर चला रहा है, नर्सिंग होम, एक बोर्ड बनाए और उस पर लिखवाए कि हमारी दवाइयाँ आप बाहर से भी खरीद सकते हैं या आपको मिल जाएं। इतना भी होता है तो एक फौरी रिलीफ मिलता है, क्योंकि बाहर जब मरीज जाएगा तो दवाइयाँ उस रेट पर होंगी नहीं, 1000% के मुनाफे वाली रेट पर। तो आज की तारीख में आप देखिए कि वो दवा डॉक्टर लिखता है, कहता है यहीं से खरीद लो, और बाहर गए तो बाहर वाले कहते हैं हमको नहीं मालूम क्या है दवा, अल्टीमेटली उसी डॉक्टर के क्लिनिक से या नर्सिंग होम के क्लिनिक से
खरीदनी पड़ती है। तो ये पहले चरण में तो ये हो कि दवा आप बाहर से खरीद सकते हैं, ये बोर्ड लग जाए, सरकार से मिलेंगे, कहेंगे कि दवा की कीमतों पर तुरंत नियंत्रण करके इनको लागत से दुगना कर दीजिए, लागत से दुगना कर दीजिए। तो क्या अर्थ होता है कि ना तो फिर डॉक्टरों के क्लिनिक बनेंगे, ना डॉक्टरों को गाड़ियां मिलेंगी और ना डॉक्टरों को विदेश यात्रा मिलेगी। और हद तो जब हो गई है, जब आप, मैं कह नाम लेने पर अच्छा नहीं लगता, कि दवा कंपनियों ने अपने होटल बना दिए हैं 5-स्टार कैटेगरी के, जो आप लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं है। वहाँ केवल डॉक्टर बुकिंग कराकर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर सारी सुविधाएं, वो सुविधाएं जिनकी परिकल्पना ना हो, जैसा कह सकते हैं कि इंद्र वाली सुविधाएं, सब सुविधाओं से युक्त वो होटल मिलते हैं। कि डॉक्टरों के लालच की एक इंतहाई लिमिट तो होगी, उस लिमिट से रोगी जो कि एक सताया हुआ सा है, एक कुदरत ने जिसको खुद पहले से ही पीड़ित किया हुआ है, उसकी जेब काटना, और जेब काटने पर नहीं, इलाज कराने के लिए तो लोग अपना जेवर भी बेचते हैं, घर भी बेचते हैं, कर्जा भी लेते हैं, और आप उसके साथ लूट कर रहे हैं। ये लूट बंद होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ बताएं कि वो डॉक्टर उस दवा को बाहर से लेने के लिए क्यों मना करता है, कहता है वो दवा बाहर क्यों नहीं मिलती है। मैंने एक ऑप्शन और विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार या अधिकारी या केंद्र सरकार सभी उन नर्सिंग होमों को सर्वे करा दें जो डॉक्टर को क्लिनिक के अंदर हैं और जो नर्सिंग होम के अंदर हैं, और उनके खरीद को और विक्रय मूल्य को देख लें। तो इसमें जनता का फायदा नहीं हो, जनता का तो हो गई होगा, सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि 10 रुपये की दवाई को अगर 100 रुपये में बेचा जा रहा है तो 90 रुपये के ऊपर टैक्स की चोरी भी की जा रही है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु अगर ये सर्वे करा दिया गया तो सारा सत्य जनता के सामने आ जाएगा और डॉक्टरों पर तो मुकदमे कायम हो जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं कहते हैं कि दवाओं को जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ता बिकवाएंगे, अब आप यहाँ लकुना देखिए क्या, प्रधानमंत्री की नीयत और पार्टी की नीयत साफ है कि दवा सस्ती मिले, उन्होंने जन औषधि केंद्र से जेनरिक दवा बिकवाने की व्यवस्था की, और इस समय देश के अंदर 5,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। दिक्कत क्या है, डॉक्टर यदि ये कह दे मरीज से, पढ़े लिखे मरीज से भी, कि भाई जो दवा मैंने लिखी है वो क्या डॉक्टर साहब जन औषधि से ले ले, बोले मैंने जो दवा लिखी है मैं तो यह जानता हूँ, अगर कोई और दवा ली और फायदा नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी आएगा, वो कदम पीछे खींच लेगा, भैया जो डॉक्टर ने लिखा ले ले, हमारी अम्मा चाचा बेटा तो ठीक हो। MEDVO विक्टोरिया वाली VOL मेडबोल, ये टर्मोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि डॉक्टर फार्मेसी को अपनी रिक्वायरमेंट बेचता है। डिक्शनरी में, कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड में कहीं इसको डिफाइन नहीं किया गया है, पर यह एक बड़ा कोड है हमारे लिए, कोड है। ये कोड क्या है, जो मैंने बताया है कि डॉक्टर जाते हैं हरिद्वार रुड़की, जाने की जरूरत भी नहीं है, यहीं बैठे बैठे कह दो 50 डिब्बे इस चीज़ के हैं, बन के आ जाएंगे, और जो खास ब्रांड बताओगे उसके नाम से बन के आ जाएंगे। अब यहाँ बड़ी कंपनियों को चिंता हुई, बड़ी कंपनियों को चिंता ये हुई कि डॉक्टर का सारा बिजनेस हिमाचल की और उत्तराखंड की छोटी कंपनियाँ जो हैं अपनी, मैं छोटी बड़ी अच्छा नहीं लगता कहने में, क्योंकि कंपनियाँ अगर लाइसेंस है तो बराबर की हैं, पर वो कंपनियाँ बना के दे रही हैं, तो बड़ी कंपनियों को चिंता हुई कि हमारी बिक्री का क्या होगा। अब एक बड़ा एक ऐसा छद्म सा एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई, मेडवॉल। मेडवॉल में क्या है, और मेडवॉल दरअसल हमारा आधार है कम करने के लिए, कि कंपनी डॉक्टर से कहती है कि आप सर्टेन क्वांटिटी खरीदो। मान लो मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ 100 यूनिट किसी चीज़ के ले लो, हम आपको 50 यूनिट फ्री दे देंगे। देखिए मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में फिर सब उतर जाते हैं छोटे बड़े। अब 50 यूनिट कंपनी ने फ्री दे दिए, तो पहले एक सवाल बनता है कि जब कंपनी 50 यूनिट फ्री दे रही है तो यानी उसके पास गुंजाइश है ये 50 यूनिट आम जनता के लिए दवा की 50% कीमत करके कम करके आने चाहिए। बहुत सीधी चीज़ है। अब होता है क्या, 50 फ्री दिए, उस डॉक्टर के पास 100 की कीमत में 150 यूनिट पहुंच गई, और डॉक्टर उस 150 यूनिट का प्रिंटेड मूल्य पर, प्रिंटेड मूल्य का मतलब है कि 30% का रेट में डिफरेंस और 50% जो उसको फ्री आई है, वो सारे के बीच का टैक्स का गैप भी वहीं वो डॉक्टर गवर्नमेंट को नहीं देते और पूरे के ऊपर मुनाफा कमाते हैं। ये मेडवॉल भी हम बंद करने के लिए सरकार से मांग कर चुके हैं, दवा कंपनियों को
सावधान कर चुके हैं कि ये हथकंडे बंद कर दीजिए। दवा कंपनियों के सामने नेचुरली वो मजबूरी है, कह रहे हैं हम कंप्लीट कैसे करें, आप कंप्लीट कैसे भी कीजिए, आप अपने दवा के दाम गिरा दीजिए, कंपटीशन हो जाएगा, खुले में कंपटीशन, वो कंपटीशन का मतलब है खुले मार्केट में कंपटीशन करने आओ। ये बैकडोर से डॉक्टर को 50% 40% 60% का मेडवॉल के नाम से जो मुनाफा दिलवाया जा रहा है। आज आप पता कर लीजिए दवा के व्यापार के बारे में। दवा कंपनी दवा बनाती थी, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर जिले के अंदर 3-4 स्टॉकिस्ट होते थे, वो जो रिटेल को सप्लाई करते थे। आज शहर के अंदर जिन डॉक्टरों के क्लिनिक हैं, उन आधे से ज़्यादा डॉक्टरों के क्लिनिक मेडवॉल खुलवा के डायरेक्ट कंपनी से 50% एक्स्ट्रा गुड्स लेके माल बेच रहे हैं। तो ये भी जब 50% डॉक्टर को एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो आम जनता के लिए सरकार क्यों ना दवा की कीमत कम कर दे, यही हमारी मांग है। जनता की बात कर रहे हैं, मैं अपने व्यापार के लिए नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कह रहा कि दवा विक्रेताओं कमीशन बढ़ाओ, मैंने कभी नहीं कहा, मैं कह रहा कमीशन घटा दो, दवा सस्ती कर दो, दवा सस्ती करो, जनता के हित की बात है, जनता के हित की बात सरकार भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेंगे। और सरकार ने तो ऑलरेडी 3 साल पहले फैसला ले लिया कि जन औषधि केंद्र खुलवाकर हम सस्ती दवा बिकवाएंगे। अब वो डॉक्टर किस चतुराई के साथ में उसको सफल नहीं होने दे रहे हैं, एक उनकी बात है, वो सारे तथ्य ले जाके सरकार के सामने हम लोग रखेंगे। जैसे एक आज़ादी का आंदोलन चला था तो उसमें कई चीज़ जुड़ जाती थी कि देश आज़ाद होने के बाद खेती बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि हम उतनी लंबी बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये दवाई के मूल्य पे प्रतिबंध लगाया गया तो समाज खुशहाल होगा, मरीज की जेब पे कम बोझ पड़ेगा, रोजगार मिलेगा और आम आदमी को होगी। और सबसे बड़ी बात अंत में जो लिखी भी है, अंतिम बात कह रहा हूँ कि इन डॉक्टरों की वजह से, इन डॉक्टर का मतलब सारे नहीं, इन डॉक्टरों की वजह से दवा का व्यापार बंद होने की गगार पर है। ये जो हमारे दवा के व्यापारी हैं जो अपने 2-2, 3-3 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, ये मिटे उससे पहले अगर काम हो जाता है तो इनका रोजगार भी पुनः स्थापित हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।